हेलो लवली स्टूडेंट्स, दिस इज आद्या। वेलकम बैक टू द चैनल। आज की क्लास में मैं आपको सिखाऊंगी कि फैक्टर्स क्या होते हैं। तो फैक्टर्स को समझने के लिए हमें पहले टेबल्स पता होने चाहिए और उनकी डिविजिबिलिटी रूल पता होने चाहिए। तो मेरे ख्याल से सभी को डिविजिबिलिटी रूल आता होगा, और अगर उनको डाउट है तो मेरी आने वाली कुछ वीडियोज़ में हम डिविजिबिलिटी रूल के कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। बट आज की क्लास हम फैक्टर्स पर है, तो हम फैक्टर्स स्टार्ट करेंगे। तो फैक्टर्स क्या होते हैं? सपोज कोई नंबर है हमारे पास, कोई नंबर लाइक जैसे 15 है। अब वो किस किस के टेबल में आता है? 15 जो है वो 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है और 15 के टेबल में आता है। तो जब हम किसी नंबर को चेक करते हैं कि वो किस किस के टेबल में आता है, तो वो जो सारे टेबल्स होते हैं वो उस नंबर के लिए फैक्टर्स बन जाते हैं। यानी कि हम हर टेबल को फैक्टर नहीं कह सकते कि 2 का टेबल है तो हम उसको 2 का टेबल ही कहते हैं, 2 का फैक्टर नहीं कहते। बट अगर कोई नंबर गिवन है और हम चेक कर रहे हैं कि वो किस किस टेबल से डिविजिबल है, तो वो सारे टेबल्स उस नंबर के लिए फैक्टर हो जाते हैं। तो बस यही फर्क है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे मैंने अभी आपके सामने 15 बोला था, हम 20 ले लेते हैं कि 20 किस किस के टेबल में आता है। तो जब भी आप फैक्टर्स निकालने लगे तो दो बातें हमेशा याद रखना कि 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, ये दो टेबल्स जो हैं हर नंबर के लिए, ये दो फैक्टर कंपल्सरी होंगे ही होंगे। ये फिक्स्ड है कि जो भी नंबर होगा वो 1 से और अपने नंबर से तो जरूर जाएगा, तो वो दो तो आपने लेने ही लेने हैं। और उसके अलावा क्या आ सकते हैं ये आपको चेक करना है। तो शायद मैंने अपनी कुछ वीडियोस में आपके साथ ये बात बार बार डिस्कस भी करी है कि जिन नंबर्स के सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, जब दो फैक्टर होंगे तो वो दो सिर्फ यही होंगे, डेफिनेटली 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, तो उन नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स कह देते हैं। और जिनके दो से ज्यादा आ जाते हैं कि वो दूसरों के टेबल्स में भी आते हैं, उनको हम कॉम्पोजिट नंबर कह देते हैं। तो वो भी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, अगर किसी के मन में कोई डाउट रह गया है इस टॉपिक को लेकर। तो 20 किस किस के टेबल में आता है हम ये चेक करेंगे। अब ये चेक करने का भी एक तरीका बता रही हूँ मैं आपको, और कहाँ तक हमें चेक करना है, किस टेबल तक हमें जाना है और किस टेबल से स्टार्ट करना है, मैं आपको ये भी समझाऊंगी। जिन बच्चों के लिए फैक्टर्स एक नया टॉपिक इंट्रोड्यूस होता है क्लास में, उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। मैंने आपको बताया कि 1 जो होता है वो हर नंबर का फैक्टर होता है, तो हम स्टार्ट 1 से ही करेंगे। 1 20 20, क्लियर? फिर हम जाते हैं अपने नेक्स्ट टेबल की तरफ। 1 के बाद आता है 2। अब 2 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि जिन नंबर्स के एंड में 0 2 4 6 8 होता है, वो नंबर 2 से डेफिनेटली डिविजिबल होते हैं। तो ये नंबर 2 से डिविजिबल है, 2 10 20 होता है। फिर हम 3 की तरफ चलते हैं, 3 के टेबल में 20 नहीं आता, 4 के टेबल में आता है, 4 5 20। फिर 4 के बाद जो हमारा नेक्स्ट कमिंग टेबल है वो है 5 5 4 20। अब जो बात यहाँ पर समझने वाली है वो क्या कि हमें रुकना कहाँ पर है, हमें किस टेबल तक चेक करते जाना है कि फैक्टर्स होंगे, कहाँ तक होंगे। तो उसका मैं इस क्वेश्चन में जो बता रही हूँ कि उसको समझने का क्या तरीका है। जैसे आप देखिए कि क्रॉस में नंबर आ जाए 4 5 जा और उसके नीचे जस्ट आ गया 5 4 जा, जब डिजिट रिपीट हो जाए, चाहे वो आगे पीछे हो वो मैटर नहीं करता, 4 5 जा आया फिर 5 4 जा आ गई, यानी कि डिजिट सेम आ गई। तो जब डिजिट सेम आ जाए चाहे वो आगे पीछे हो, तो हमें वहीं रुक जाना है, यानी कि ये हमारा स्टॉपिंग पॉइंट हो गया। स्टार्टिंग हमने 1 से करी थी, स्टॉपिंग मैंने आपको बता दी कि कहाँ पर करनी है। तो अब हमारे फैक्टर्स क्या बने, हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 20। देखिए मैं आपको ऑर्डर वाइज लिखना भी सिखाऊंगी, ताकि जो आपकी क्वेश्चन की सॉल्यूशन की जो प्रेजेंटेशन हो टीचर के सामने, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए।
तो मैं आपको ऑर्डर में लिखना सिखा रही हूँ। फैक्टर्स आगे पीछे भी लिखे जा सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, पर एक प्रेजेंटेशन अच्छी हो तो और आपकी गुडविल टीचर के सामने अच्छी हो जाती है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, जो मैं सर्कल लगा रही हूँ, सबसे पहले वन से स्टार्ट किया था ना हमने, वन देन टू देन फोर देन फाइव। अब आपको यहां से नीचे से ऊपर जाना है, फाइव देन टेन देन एंड द लास्ट इज 20। तो ये फैक्टर्स जो लिखे हैं वो हमने ऑर्डर वाइज लिखे हैं, और ये जो रिपीट हो रहा था इसको नहीं लेना है। तो हमें समझ में आ गया कि हमें फैक्टर्स निकालने हैं तो कहाँ से स्टार्टिंग करनी है और कहाँ उसकी स्टॉपिंग करनी है। ऐसे हम एक दो एग्जांपल्स और ले लेते हैं, लाइक 17। अब आपके फैक्टर्स निकालने के बाद आपने एक चीज और सीखी। देखिए फैक्टर्स कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, सिक्स फैक्टर्स हैं। अगर किसी के दो से ज्यादा फैक्टर आ जाते हैं, जैसे कि इस एग्जांपल में आए हैं, जब किसी क्वेश्चन में दो से ज्यादा फैक्टर्स आ जाते हैं तो उस नंबर का जो नाम है, यानी कि ये है, इसको हम कॉम्पोजिट नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉम्पोजिट नंबर। तो एक कॉन्सेप्ट एक के साथ हमने एक कॉन्सेप्ट और क्लियर कर लिया, देखकर समझकर कि जब दो से ज्यादा फैक्टर्स हमें मिलते हैं किसी नंबर के, तो उस नंबर का जो नाम है, वो कैटेगरी है, वो कॉम्पोजिट नंबर की कैटेगरी बन जाती है। तो नेक्स्ट हमने जो लिया है वो है नंबर 17। हम इसके फैक्टर्स निकालते हैं स्टार्टिंग विद वन। हम वन से स्टार्ट करेंगे, 1 17 17। अब आप चेक करते जाइए, मैं जल्दी जल्दी करूंगी और आपको पता भी चलता जाएगा। 2 के टेबल में 17 नहीं आता, 3 के टेबल में भी 17 नहीं आता, 4 के टेबल में, 5 के टेबल में, 6 7 8 9 10, 10 तक ये किसी टेबल में 17 नहीं आता। फिर आगे बढ़ते हैं, 11 11 के टेबल में भी 17 नहीं आता, 12 13 14 15 16 16 तक आप बेशक चेक कर लीजिए 1 में जाता था, और 2 से लेकर 16 के टेबल में 17 नहीं आता। अगर आपके मन में डाउट है, कोई शंका है, तो आप टेबल्स को लिखकर देख सकते हैं साइड बाय, ये नहीं जाएगा। फिर ये जा रहा है सीधा 17 के टेबल से, तो 17 बन जा 17। मैंने अभी जस्ट आपको बताया था स्टॉपिंग हमारी कहाँ पर होगी। हमारी स्टॉपिंग होगी जब डिजिट्स रिपीट हो जाएंगे, टेबल्स रिपीट हो जाएंगे, 117 जा और 17 वन जा, सिर्फ क्रॉस में आ गए हैं, बाकी टेबल सेम है, तो हमारी स्टॉपिंग यही हो जाएगी। हमें अब 17 से आगे टेबल्स गिनने की जरूरत ही नहीं है, देखने की जरूरत ही नहीं है कि फैक्टर्स आएंगे कि नहीं आएंगे। और इससे हमारे जो वीडियोस का जो बेस है, हमारे वीडियोस का जो टारगेट है, वो है आपका टाइम सेव करना है। तो ये मैं टाइम सेविंग ट्रिक्स बता रही हूँ कि आपको आगे टेबल्स जाने की जरूरत ही नहीं है, इससे आपका टाइम सेव हो गया। तो हमारे वीडियोस का फायदा आपको तभी मिलेगा जब आप इन ट्रिक्स को अपनाएंगे। तो अब फैक्टर्स आ गए हमारे 17 के, 1 and 17 ओनली। तो देयर आर 2 फैक्टर्स ओनली, सिर्फ दो ही फैक्टर्स आए, 1 and 17। तो जब दो ही फैक्टर्स आएंगे तो वो जो नंबर है, यानी कि नंबर 17, वो प्राइम नंबर की कैटेगरी में चला जाएगा। तो हमने एक कॉन्सेप्ट और सीख लिया कि जब हम फैक्टर्स निकालें और फैक्टर्स आए केवल 2, तो वो नंबर बन जाएगा प्राइम नंबर। तो हमने अभी सिर्फ 2 एग्जांपल सॉल्व करे और 3 बातें सीख ली। कॉम्पोजिट नंबर क्या होंगे, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे, प्राइम नंबर क्या होंगे, जिनके केवल 2 ही फैक्टर्स होंगे, और फैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं। एक एग्जांपल और लेंगे हम, ताकि मैं एक और नई बात आपके साथ शेयर कर सकूं, तो वो है नंबर 25। हमने ऐसे ही ले लिया, इसमें एक नई चीज होने वाली है। 25 के फैक्टर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको कहा था 1 से स्टार्ट करना है, 125 से 25। अब आप जरा ध्यान से देखिए, 2 के टेबल में 25 नहीं आता, 3 के टेबल में भी 25 नहीं आता, 4 के टेबल में भी 25 नहीं आता, 5 के टेबल में 25 आता है, 5 5 25। तो यहाँ मैंने लिख दिया 5 5 25। अब
आगे जाने की जरूरत नहीं है, आपको यहीं रुक जाना है, यही आपका स्टॉपिंग पॉइंट है। तो इसमें नई बात क्या हुई, नई बात ये हुई कि जब दोनों टेबल सेम आ जाएं तो भी आपको रुक जाना है। पिछले एग्जाम्पल में हम कहां रुके थे, जब क्रॉस में सेम आ गए थे नंबर, टेबल्स क्रॉस में सेम आ गए थे तो हम रुक गए थे। लेकिन इस क्वेश्चन में ट्विस्टिंग क्या है कि जब दोनों ही टेबल सेम आ जाए, आगे और पीछे का, पहले क्रॉस देख रहे थे अब आगे पीछे का देख रहे हैं, अगर सेम आ जाए तो आपने वहीं पर रुक जाना है। तो ये आपके फैक्टर्स यही खत्म हुए। तो इसके फैक्टर्स आए क्या, फैक्टर्स ऑफ 25, 1, 5, एक और बात कि जो रिपीट हो रहा है उसको दो बार नहीं लिखना, जैसे 5, 5, क्योंकि टेबल तो कॉमन ही रहेगा इसलिए 5 को रिपीट नहीं करना, 1, 5, 2, 25। तो ये फैक्टर्स आ गए। अब आप काउंट करिए ये कितने फैक्टर्स आए, एक फैक्टर्स आए 3। तो जब दो से ज्यादा फैक्टर हो, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती, मिनिमम दो और दो से ज्यादा, तो जब दो से ज्यादा हो तो ये हमारा बन गया कॉम्पोजिट नंबर। तो हमने, हमारी आज की क्लास यही खत्म होती है। 3 नई चीजें सीखने के बाद, कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, और फैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं, और साथ ही साथ फैक्टर्स किस नंबर से स्टार्ट करने हैं और कहाँ पे उसको स्टॉप करना है, और कैसे हमें ऑर्डर वाइज लिखना है, और कैसे हमें अच्छे से प्रेजेंटेशन उनकी देनी है। तो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो फैक्टर ट्री पर बेस्ड होगी, तो आप उस वीडियो को देखना मिस ना करें। हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिए, नए नए टॉपिक्स के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। गुड बाय दोस्तों।